अध्याय एक, विचार ही वस्तु है। कुछ साल पहले एडविन सी बार्न्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सकें। उनकी राह में दो बाधाएं थी। पहली ये कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी ये कि उसके पास ऑरेंज न्यूजर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। मैंने उससे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बार्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। बार्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज हासिल ना हो जाए। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। आखिरकार उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बार्न्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बार्न्स जानते थे कि वे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बार्न्स ने ढेर सारा पैसा कमाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोच कर अमीर बन सकता है। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थाई पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। आर यू डार्बी